मेरा नाम है सीए शिखा गुप्ता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रॉपर्टी बेचते समय टैक्स कैसे बचाया जाए। इनकम टैक्स हमारा चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सैलरी, दूसरा है कैपिटल गेन्स, तीसरा है बिजनेस और चौथा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्रॉपर्टी बेचना जो है वो आपका कैपिटल गेन्स में कवर होता है। कैपिटल गेन्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें हमारी जो इनकम टैक्स की रेट है वो स्लैब के हिसाब से लगती है। स्लैब का मतलब है आप जिस ब्रैकेट में फॉल करते हैं उसके हिसाब से आपकी रेट चार्ज होगी। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो आपकी 30% की रेट चार्ज होगी, अगर उससे कम है तो 20% एंड सो ऑन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो इनकम टैक्स की रेट है वो 20% चार्ज होती है विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लगता है? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को विद इन 2 ईयर्स ऑफ परचेज बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। विद इन 2 ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है जिस दिन आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच देंगे तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर आप 2 साल के बाद बेचेंगे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लॉन्ग टर्म में आपका जो बेनिफिट है वो ये है कि उसमें 20% की रेट फिक्स्ड है विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का क्या मतलब है? इंडेक्सेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन या महंगाई के अगेंस्ट मिलने वाला बेनिफिट। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है साल 2001-02 में 10 लाख रुपए की और आप उस प्रॉपर्टी को अब बेचते हैं साल 2021-22 में, तो जब आप ये 10 लाख की कॉस्ट पे इंडेक्सेशन लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 31,70,000 रुपए। तो ये जो 10 लाख से बढ़कर 31,70,000 जो कॉस्ट हुई है वो इंडेक्सेशन की वजह से हुई है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब आपने साल 2001-02 में घर खरीदा तो उस टाइम वो वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, बट अब इतने सालों में इन्फ्लेशन लगा, इन्फ्लेशन की वजह से जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ गई और वो हो गई 31,70,000 की। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने घर को बेचते हैं तो उस पर 20% की रेट लगेगी और प्लस आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म में घर बेचते हैं तो आपकी स्लैब के हिसाब से रेट लगेगी। इसमें ये फायदा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में बेचेंगे तो आपकी जो रेट है वो फिक्स होगी 20% की प्लस द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, और अगर आप शॉर्ट टर्म में घर को बेचेंगे तो आपकी 30% की रेट लगेगी और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म यूजुअली इसलिए लगता है क्योंकि जब भी आप घर बेचते हैं तो जो कैपिटल गेन होता है वो 10 लाख से ज्यादा का ही होता है, तो आप ऑटोमेटिकली 30% वाले ब्रैकेट में फॉल कर जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा घर है वो हम लॉन्ग टर्म में बेचें जिससे हमें रेट का भी बेनिफिट हो और इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट हो। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बेचते समय टैक्स बचाने का दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपनी एक्विजिशन कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट को ठीक से क्लेम करें। एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट का ये मतलब होता है कि जो हमारी परचेज प्राइस है वो ठीक से क्लेम हो। कैपिटल गेन्स निकालते समय 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सेल कंसिडरेशन और दूसरी होती है परचेज। सेल माइनस परचेज से जो डिफरेंस आता है उस पर लगता है आपका कैपिटल गेन्स का टैक्स। तो अगर आप अपनी परचेज की कॉस्ट बढ़ा देंगे तो आपका जो कैपिटल गेन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी परचेज की कॉस्ट क्लेम कर रहे हैं अपने आईटीआर में वो ठीक करें। इस परचेज की कॉस्ट में आपने जितने का घर खरीदा था आप उतना तो क्लेम कर ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप कुछ एडिशनल कॉस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज किए हैं, मेजर चेंजेस किए हैं, तो उनकी कॉस्ट भी आप क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने बाउंड्री वॉल्स बनाई हैं, कोई नया रूम बनाया है, कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिससे घर की वैल्यू में एडिशन हुआ है, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप परचेज कॉस्ट में क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बिल्स आपके हैं वो जो कंस्ट्रक्शन में यूज हुए हैं, जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं उनके बिल्स वाउचर्स आप संभाल के रखें, जिससे जब भी आप ये प्रॉपर्टी बेचेंगे और जब भी इस कॉस्ट को आप क्लेम करेंगे अपने आईटीआर में तो वो जो बिल्स हैं आप एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं जब भी कोई इंक्वायरी आती है। जो तीसरा तरीका है प्रॉपर्टी बेचते में टैक्स बचाने का वो होता है अग्रीमेंट का तरीका। शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा और किसी ने बताया भी नहीं होगा, पर इनकम टैक्स में एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत आप बहुत बड़ा बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की सर्कल वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप आज ही के दिन बायर के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं। जब भी आप ये एग्रीमेंट करें तो आप सेल कंसिडरेशन का कुछ पार्ट बायर से बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ले सकते हैं। आप किसी भी मीडियम से ले सकते हैं वो पैसा अदर देन थ्रू कैश।
ऐसा करने से ये होगा कि जो आपकी सर्कल रेट उस दिन चल रही होगी वो आपकी सेल कंसिडरेशन के लिए बुक हो जाएगी, एंड जब आप फ्यूचर में घर बेचेंगे तो सर्कल रेट जो है वो बढ़ी हुई रेट नहीं ली जाएगी बल्कि अग्रीमेंट की डेट की ली जाएगी। इससे आपकी जो सेल कंसिडरेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब सेल कंसिडरेशन कम होगी तो कैपिटल गेन्स भी कम हो जाएंगे, और कैपिटल गेन्स कम होंगे तो टैक्स रेट भी कम हो जाएगी। जो आज मैं आपको आखिरी तरीका बताने वाली हूँ प्रॉपर्टी बेचते में टैक्स बचाने का, वो है सेक्शन 54 की डिडक्शन। सेक्शन 54 में जो सबसे ज्यादा कॉमन डिडक्शन है वो है सेक्शन 54EC की डिडक्शन। सेक्शन 54EC की डिडक्शन ये कहती है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और उससे मिलने वाला जो पैसा है वो बॉन्ड्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट ने 4 बॉन्ड स्पेसिफाई किए हुए हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तीसरा है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और चौथा होता है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर आप अपना पैसा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल इन बॉन्ड्स में परचेज करते हैं तो आपका जो गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है कि ये बॉन्ड्स आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। अगर आप 5 साल से पहले इन बॉन्ड्स को बेच देते हैं तो जितना भी कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हुआ होता है वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी डिडक्शन है वो है सेक्शन 54GB की डिडक्शन। इसमें आपको एग्जेम्पशन तब मिलता है जब गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफाइड वेंचर्स हैं, स्टार्टअप हैं, कंपनीज हैं, उनमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। तीसरा तरीका है कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में इन्वेस्ट करने का। अगर आप अपना पैसा कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट जो कि बैंक के साथ खुलता है उसमें डालते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो रहा था वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चौथा तरीका होता है सेक्शन 54 की डिडक्शन। उसमें आपको डिडक्शन तब मिलती है जब आप अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचें और उससे मिलने वाला जो पैसा है उसको किसी नए घर को परचेज करने या कंस्ट्रक्ट करने में इन्वेस्ट कर दें। पर ये जो नया घर है आपका वो इंडिया में ही होना चाहिए। अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जो आप नया घर खरीद रहे हैं वो या तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल खरीद जाना चाहिए या फिर विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, और अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल वो घर खरीद जाना चाहिए। इसके साथ ही ये जो घर है वो सिर्फ 2 ही घर खरीदने तक आपको डिडक्शन मिलती है। अगर आप 3 घर खरीदते हैं तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और इसमें आप सिर्फ 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 2 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।